जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं बात कर रहा था आज नए टॉपिक दैट इज कॉल्ड एवियोनिक। आपकी बात हो गई थी मैकेट्रॉनिक्स क्या है, ऑटोट्रॉनिक क्या है, बायोनिक क्या है। आज मैं बात करूंगा एवियोनिक सिस्टम क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड। व्हाट इज अ एवियोनिक सिस्टम? एवियोनिक सिस्टम क्या है? आप एयर मतलब नहीं, आप ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे जो हवा में इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एरोप्लेन, ये एक एरोप्लेन का कॉकपिट है जिसमें मैंने आप देखिए डिफरेंट तरीके के, एक पायलट जो आपका बैठता है वो इन स्टेयरिंग्स को क्या करता है, गवर्न करता है, इन स्टेयरिंग्स को बस इधर उधर घुमाता है और पूरे सिग्नल आते हैं। ये मल्टीपल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगी हैं, फ्यूल कितना है, स्पीड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ऊंचाई कितनी है, आपका डायरेक्शन कितना है, सारे जानकारी आपको स्क्रीन के अंदर मिल रहा है। जीपीएस ट्रैक कर रहा है कहां आपको हवा है, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी, सब कुछ ये सेंस कर रहा है। इतनी सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल एयर के अंदर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एवियोनिक्स। देखिए मैं इसी चीज को कि एविएशन या इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, दैट इज एविएशन इज अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। जो एवियोनिक शब्द है उसका मतलब ही है, ये दो वर्डों से बना है। एक का मतलब है एविएशन मतलब इन द एयर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दैट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक्स। सो द टर्म एवियोनिक सिस्टम और एवियोनिक सब सिस्टम इज मीन एनी सिस्टम इन द एयरक्राफ्ट which is dependent on the electronic for its operation, although the system may contain electromechanical system। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें वो फुली डिपेंडेंट हो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, और द सिस्टम का नाम हो जाएगा electromechanical system। तो एवियोनिक का पहला वर्ड है एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एविएशन से एवी निकाल, दैट इज मीन ऑफ एयर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है हम एयर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एविएशन आया कब था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया, 1938 टू 1945 के समय, जब हमें बम्बार्ड करना था, मतलब हमारा आपके वायु से आपको क्या बम्स गिराने थे। सो बायदा बम तो ऐसे तो नहीं है कोई लटका देगा। सो उस समय सिस्टम को इतना डिजाइन किया गया कि एक बटन क्लिक किया जाए और पूरे बम आपके क्या हुए वहां से डिस्पेड हो जाए, वो आपके ब्लास्ट हो जाए। सो सेकंड वर्ल्ड वार के समय एक इस तरह का सोच आई कि एविएशन ये करना चाहिए हमें एयर से। सो इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द एविएशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। एवियोनिक आर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड ऑन एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में भी है, पूरे पूरे दिन सैटेलाइट जाती हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। आप दूसरे स्पेस में होता है तब भी आप कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेट। आप रॉकेट से बात करते हैं, आप सैटेलाइट से बात करते हैं, स्पेस क्राफ्ट जो है आप उनसे बात करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एवियोनिक सिस्टम। Any system in aircraft which is dependent on electronics for its operation, that is called avionic system, and it is also called electromechanical system. इसको electromechanical system भी कहा जाता है। एक मैंने simple diagram लिखा कि ये pilot है, आप मान के चलिए ये pilot है, और ये pilot है तो इसके पास एक display है, इसके पास comments आ रहे हैं, मतलब इन्हें indication आ रहा है, डाटा एंट्री कंट्रोल ये डाटा दे रहा है कि डाटा क्या है, कितना लेवल है, ये इसको इनपुट करा रहा है, दे रहा है, फीड कर रहा है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इसी के पास फ्लाइट कंट्रोल, मैन मशीन इंटरफेस, मैन का इंटरफेस क्या है, मशीन के साथ है, मतलब ये देख के डिस्प्ले, देख के डिस्प्ले देख रहा है, कमेंट इसको डिस्प्ले इसको देखने को मिल रहा है, कमांड ये फॉलो कर रहा है, डाटा एंट्री कर रहा है, डाटा एंट्री और फ्लाइट कंट्रोल अपने बेस पे कर रहा है। तो एयरक्राफ्ट स्टेट सेंसर है, नेविगेशन सेंसर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड सेंसर है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स लगे हुए यहां पे एक एविएशन सिस्टम। तो एक ब्लॉक डायग्राम मैंने दे दिया, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको बताया है बस मैंने, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ एविएशन, मैंने पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रेडार वॉज डेवलप्ड इन द यूके, रेडार आपका क्या है कि यूके, जर्मनी एंड द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो रेडार एवियोनिक देयर ओरिजिन इन अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फॉर द एग्जाम्पल ऑटो पायलट सिस्टम दैट आर प्रोलिफिक टूडे वर स्टार्टेड टू हेल्प बम्बार प्लांट्स।
आपके जब बम को गिराना होता था, तो ये उस समय ये सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन हुआ। और रडार सिस्टम की भी इसमें टेक्नोलॉजी हुई। मॉडर्न एवियोनिक इज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्पेंडिंग। आप इसको बहुत ज्यादा, जैसे आपका तेजस है और गरुड़ है, इन सब में आपका क्या हुआ कि F-15E है नाउ रिटायर्ड, F-14 हैव रफली 20% ऑफ देयर बजट स्पेंड ऑन एवियोनिक। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके उस पे है जो इसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग सेना में यूज कर रहे हैं। मॉडर्न एवियोनिक है, हम लोग आपका सिस्टम प्रोजेक्टेड है, तो ये एक प्रकार से हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है हिस्ट्री कहाँ से एवियोनिक की आई है और नीड एवियोनिक की क्या है। सो एवियोनिक सिस्टम आर इसेशनल टू इनेबल द फ्लाइट क्रू टू कैरी आउट द एयरक्राफ्ट मिशन सेफ्टी एंड इफिशियंटली। बिल्कुल सही है, हम लोग डिफेंस एरिया में बिल्कुल, जैसे उरी हम लोगों ने स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी जो मूवी में दिखाया गया, तो दैट इज अ वेरी क्रूशियल एयरक्राफ्ट मिशन सेफ्टली है एंड इफिशियंटली। मेजर ड्राइवर इन द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एवियोनिक सिस्टम हैज बीन द नीड टू मीट द मिशन रिक्वायरमेंट विद द मिनिमम फ्लाइट क्रू। मतलब नहीं, आपकी फ्लाइट डैमेज ना हो और आपकी फ्लाइट को ज्यादा हानि ना हो और अच्छा आपका मिशन हो। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर फॉर एवियोनिक सिस्टम आर इंक्रीज सेफ्टी। आपको आपको पूरी चीजें सेफ्टी पर्पस के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिक्वायरमेंट, ऑल वेदर ऑपरेशन आपको मिल जाते हैं, रिडक्शन इन द फ्यूल कंजप्शन, इंप्रूव एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, कंट्रोल एंड हैंडलिंग एंड रिड्यूशन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आप लोग सभी लोग बच्चा ध्यान देना। इसी में मैंने बहुत पॉइंट लिखे हैं कि पहला आपका एवियोनिक सिस्टम का एडवांटेज क्या है, इंक्रीज सेफ्टी। बिल्कुल सही है, आपको सेफ्टी मिलती है, आपका वेदर अच्छा नहीं होता है, आपकी स्लाइड आपकी वेदर में क्लियरिटी नहीं है, तो आपकी क्या होता है कि आपकी फ्लाइट को इंडिकेशन मिल जाता है। सो सेफ्टी पर्पस। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपको सारी चीजें जानकारी यहीं से मिल जाता है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल आपको पता चल जाता है कि आपको कब जाना है, किस लैटिट्यूड में, किस लॉन्गिट्यूड में, किस क्या वेदर की ह्यूमिडिटी है, रिक्वायरमेंट्स आपको कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स है। ऑल वेदर ऑपरेशन आपको यहीं से मिल जाते हैं इसके द्वारा। रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन, आपको फ्यूल कंजप्शन को भी बताता है, आपको ज्यादा मतलब नहीं, आपका वेदर क्लियर है तो आपको उतना ज्यादा प्रोपल्शन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। इंप्रूव एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो रही है, सही बात है कि आपको सारी चीजें इंडिकेशन दे रहा है वो। सो दिस इज कॉल्ड द नीड ऑफ एवियोनिक सिस्टम एंड देयर इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एवियोनिक एंड व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ एवियोनिक एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एवियोनिक। थैंक यू, इफ यू आर क्लियर द कंसेप्ट देन यू हैव वॉच एंड क्लियर ऑल वीडियोस एंड मेक द नोट्स एंड सेफ, स्टे सेफ। थैंक यू।